वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एमजेपी आर रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए है, समझ रहे हो। और इस वीडियो में हम बताया क्या बताने वाला हूँ आपको, कल जो 7 अप्रैल मतलब कि 7 अप्रैल को पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, समझ लो पहले एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ क्या क्या पेपर में आ रहा है, समझ लेना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लोगे, सभी दोस्तों को शेयर करोगे, आप सभी दोस्तों से कहना है कि पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं प्रूफ के द्वारा बता सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में हैकर में आ रहा है, मतलब पेपर में आ रहे हैं आपके, और पेपर हैकर द्वारा ये चीज बताई जा रही है। तो आप यदि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ये पेपर है जो 7 अप्रैल को होने वाला है, मतलब कि कल आपका दोपहर सेकंड मीटिंग में होने वाला है आपका 11 बजे से, याद रखना है। अब सेकंड मीटिंग में आपका 11 बजे से होने वाला है, जिसको हम देखो बिजनेस कम्युनिकेशन को हिंदी में व्यावसायिक संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण मतलब जानते हो, कम्युनिकेशन संप्रेषण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप 85% प्लस लाओगे, मतलब टॉप करने वाले हो 2022 के एग्जाम में, टॉप, समझ रहे ना, आप टॉप करोगे। बस जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ के जाओ, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत देखो, बस जो बता रहा हूं वही देख के जाओ। अब आप क्या क्या पढ़ने वाले हो देखो, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो जो बता रहा हूं उसको याद कर लेना। पहले तो हम ये करेंगे कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, मतलब कि संप्रेषण है क्या, संप्रेषण है क्या, उसकी अर्थ क्या होता है, कौन कौन से उपाय होते हैं और संप्रेषण के प्रतिमान क्या क्या होते हैं, समझ रहे हो ना। आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में सब मिल जाएगा, यदि नहीं मिल रहा है ना तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यार, नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेट आपको नोट्स का। यदि नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें तुरंत संपर्क करेंगे, 7037 32, ठीक है, 32 और 7838, आप इस पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए। यदि मैं आपको बता दूं, पेपर जैसे ही आपका हो जाता है, पेपर जैसे ही आपको होता है तुरंत हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे 7037 32 7838 पर, आप तुरंत यहां बताएंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन पेपर में करवाए। और आप एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, आप एमसीक्यू वाली वीडियो देखो, देख लेना, वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर जैसे ही आप मैसेज करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा, मतलब हमारे व्हाट्सएप पर, आप इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तुरंत मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं, जाके देख सकते हैं यार, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं कर रहे हैं जो आपको कोई नहीं करता है। अब देखो यहां संप्रेषण क्या होता है, उनके अर्थ के बारे में, उनके उपाय के बारे में आप देख के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संप्रेषण को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता है। अब एक क्वेश्चन इसमें से एक और बनता है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा बनता है कि व्यावसायिक मतलब होता है बिजनेस, संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब जो हमारा पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, हमसे ये पूछता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या हमें ये कहेगा कि संप्रेषण एक क्या है, सरल प्रबंधक की कुंजी है, आप स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, यही क्वेश्चन जो महत्व उद्देश्य की बात करेगा वो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि संप्रेषण या जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सफल प्रबंधक की कुंजी है, ये आप बताओ, बताओ ये आपको क्वेश्चन मैंने कहा, आप टिक लगा लो अपने बुक नोट्स गैस पेपर में, नहीं है तो आप हमारे नोट से पढ़िए। उसके बाद में है लिखित कह सकते हैं लिखित व्यावसायिक संप्रेषण गुण दोष महत्व के बारे में बता दिए। अब आप देखिए यहां कह रहा है बिजनेस, अब यहां कह रहा है लिखित रिटन व्यवसाय, जो हमारा लिखित व्यवसाय होता है, लिखित मतलब कि रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन के गुण दोष क्या होते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका हम लिखित कब सब कुछ लिखते हैं, लिखित करते हैं ना, लिखित लिपिक में, मतलब लिख लिखकर हम चीज, मतलब किसको कितने पैसे दिए क्या, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि लिखित बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके गुण दोष महत्व के बारे में बताइए। और एक होता है मौखिक संचार, एक होता है संकेतिक संचार, उनके सीमाएं बाधाएं, और एक होता है भ्रमित संचार, ये 3 प्रकार के संचार होते हैं, इन संचारों को अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, जो आपको बता रहा हूं वही पेपर में छप रहा है। उसके बाद में आता है प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी जानते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसका सिद्धांत, इसका थ्योरी के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद एक आता है गैर शाब्दिक संप्रेषण, गैर शाब्दिक संप्रेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके गुण दोषों के बारे में हमसे पूछता है। अब एक होता है दैहिक, दैहिक या फिर कह सकते हैं शारीरिक भाषा संप्रेषण, ठीक है, उसके महत्व के बारे में याद कर लेना। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे में याद करेंगे सर्वता क्या होती है, सर्वता उसके प्रकार, उसके उद्देश्यों, किनकी बाधाओं के बारे में याद करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको रट के जाना है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कह सकते हैं साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार का प्रकार, उनके उद्देश्य, उनके बारे में देख रहे हैं साक्षात्कार के बारे में। उसके बाद मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसको आपको देखो, मौखिक प्रस्तुतिकरण आशय सिद्धांत, उनके प्रकार और प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक पत्र क्या होता है, उसकी विशेषता, उनके आवश्यक तत्व कौन कौन से,
होते हैं। व्यवसाय पत्र जानते हो, यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए पत्र कहीं लिखना होता है तो क्या होता है, लिखन कुशलता का अर्थ क्या होता है, अभिप्राय क्या है, लिखित कुशलता किसे कहते हैं, ये आप याद करेंगे। शिकायती पत्र, आप किसी को शिकायत करना चाहते हैं तो उस पत्र को आप कैसे लिखेंगे, या फिर वसूलू पत्र होता है, एक होता है गस्ती पत्र, इसका वर्णन करो। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपोर्ट आपसे पूछता है कि बिजनेस रिपोर्ट के गुण दोष, उनके तैयार करने के चरण कौन कौन से होते हैं। एक कोई बिजनेस है आप कर रहे हैं उसका, यदि आप एक आपको ये रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ टैक्स, टैक्स इमेज कैसे, इमेज किसे कहते हैं, टैक्स मैसेज किसे कहते हैं, टैक्स प्रणाली क्या होती है, और मौखिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखी। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रट के जाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यहां से आप टॉप करने वाले हो 2022 के एग्जाम में, एमजेपीआरयू रोल कर मतलब रोहलखंड में आप टॉप करोगे, समझ रहे हो। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो, रट लेते हो, तो यही क्वेश्चन छाप के आना, टोटल क्वेश्चन आना है, समझ लेना एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कर दीजिए वीडियो को यार।